तो आज हम बात करेंगे लिंग के साइज के बारे में, पीनस साइज के बारे में। नॉर्मल साइज पीनस का कितना होता है, बड़े साइज कितने बड़े होते हैं, छोटा साइज किस साइज को कहते हैं, फीमेल्स कितने लंबे साइज को ज्यादा पसंद करती हैं, कितने लंबे साइज से वो ज्यादा सेटिस्फाइड होती हैं। आज मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इन ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपका टाइम बहुत कीमती है और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूँ। दोस्तों, मैं डॉक्टर बाबू कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड सीनियर सेक्सोलॉजिस्ट, लास्ट 42 ईयर से मैं सेक्स पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करते हैं। आप हमारे ऑनलाइन ट्रीटमेंट और हमारे मेडिकेशंस के बारे में जानना चाहते हो, आप हमारी वेबसाइट drclinic.com पे जाइए, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ओवर देयर। इसलिए दोस्तों, बने रहे, जुड़े रहे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो जो आपकी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने वाली होगी, आपकी पार्टनर को ज्यादा मजे देने वाली होगी, आपको ज्यादा टेक्निक्स सिखाने वाली होगी, आपकी सेक्स पावर को बढ़ाने वाली होगी, आप वो वीडियो देखे बिना रह ना जाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दें। पीनस के एवरेज लेंथ की बात आती है तो उसकी लंबाई तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 5.1 से लेके 5.5 इंचेस तक मापा गया है। 5.1 से लेके 5.5 के बीच बीच में इसकी लंबाई होती है, जिसको हम 12.95 बोल देते हैं सेंटीमीटर में और 13.97 सेंटीमीटर बोल देते हैं, इसके बीच बीच में इसकी लंबाई होती है। तो जो इसकी लंबाई मापी जाती है, इस लंबाई को फुली इरेक्ट होने के बाद ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पीनस जब फ्लैशन पोजीशन में होता है, उस टाइम हम इसको लंबाई नहीं बोलते। आमतौर पे देखा गया है कि फ्लैशन पीनस की लंबाई तकरीबन 3.61 इंचेस के बीच में होती है, 3.61 इंचेस तक अप्रोक्सीमेटली होती है। इससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, मगर अप्रोक्सीमेटली इट इज अबाउट 3.61 इंचेस। और अगर इसकी लंबाई 1.6 इंच से कम है तो इसको हम स्मॉल पीनस बोलते हैं। इफ इट्स लेंथ इज लेस देन 1.6 इंचेस, देन पीनस इज कॉल्ड द स्मॉल पीनस। ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एवरेज इरेक्शन के बाद इसकी एवरेज लेंथ 5.17 इंचेस होती है और इसकी गिर्थ 4.9 इंचेस होती है। 4.9 इंचेस होती है और इसकी लंबाई 5.17 इंचेस होती है। और जहां पे हम एबनॉर्मल लेंथ की बात करते हैं, ओनली 2% मेल्स ऐसे होते हैं जिनकी लेंथ 7 से 8 इंचेस के बीच में होती है। दैट इज ओनली 2%, 100 में से ओनली दो भी नहीं होंगे मगर कम से कम दो हो सकते हैं। ओनली 2% मेल्स में इनकी लेंथ 7 से 8 के बीच बीच में होती है और 1000 में से 5 से 7 लोगों को 9 इंचेस के करीब होती है, वेरी रेयर केसेस। और 1000 में से ओनली एक आदमी ऐसा मिलेगा आपको जिसके पीनस की लेंथ 9 इंचेस से ज्यादा होती है। लंबा पीनस वेरी रेयर होता है। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है भी आपको लंबा पीनस चाहिए, तो आज के बाद आप इस बात को सोचना छोड़ दो। एंड दैट इज वेरी नेचुरल। इसको 5 इंच से 9 इंच का नहीं बनाया जा सकता। कोई भी ऐसा तेल, कोई भी ऐसी मेडिकेशन, कोई भी ऐसा इंजेक्शन, कोई भी ऐसी सर्जरी नहीं है जो इसकी लेंथ को ज्यादा देर लंबी तक बढ़ा सके। थोड़ा बहुत तो हो सकता है सर्जरी के दौरान, थोड़ा बहुत तो हो सकता है, मगर ज्यादा लंबा नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि ये 5 इंच से आपका 9 इंच भी हो जाएगा। और एक सर्वे में तकरीबन 15,000 मेल्स का पीनस को चेक किया गया, जहां पे उन्होंने एवरेज में पाया कि फ्लैशेंट पीनस उनका 9.16 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट था और इरेक्ट होने के बाद दैट वाज
13.12 सेंटीमीटर, 13.12 सेंटीमीटर इरेक्ट होने के बाद उसकी लेंथ बनी, और जब ये फ्लैशेड फॉर्म में था उस टाइम पे 9.16 सेंटीमीटर की लेंथ बनी। दैट वाज द सर्वे ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15,000 मील्स। ये पीछे से कई देशों में इसका सर्वे हुआ था, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन निकाली थी। तो जहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत से हमें फॉर्म्स पे बात करते हैं, हमें ईमेल भी आते हैं, व्हाट्सएप भी आते हैं कि किस उम्र तक वीनस का साइज बढ़ता है। और ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जितनी देर तक एक मेल की एडोलेसेंट एज कंप्लीट हो जाती है, यानी कि 18 साल की उम्र तक ही मेल का वीनस बढ़ता है, उसके बाद जितना बना दिया भगवान ने बना दिया उतना बन गया, 18 साल के बाद आपके आपका पीनस नहीं बढ़ेगा, किसी भी मेल का पीनस नहीं बढ़ेगा। जितनी उसमें बढ़ोतरी होती है, जितनी इसकी लेंथ बढ़ती है या मोटाई बढ़ती है, ये 18 साल की उम्र तक ही होता है। अब बात आती है फीमेल पीनस की कितनी लेंथ से ज्यादा एंजॉय करती है, उनको ज्यादा खुशी मिलती है, कितने लंबे पीनस को ज्यादा पसंद करती है। कहने को कोई कुछ भी बोलता रहे, ज्यादा लंबा चाहिए, ज्यादा मोटा चाहिए, फीमेल भी बोल सकती है हमें ज्यादा लंबा पसंद है, मगर रियलिटी में जो साइंटिफिक रिव्यू है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो एक विजाना की अगर हम एवरेज की लंबाई 4 इंच से 6 इंच के तकरीबन अप्रोक्सीमेट होती है, तो हर एक विजाइना की फर्स्ट 1/3 पार्ट ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, यहाँ पे ही इसके नर्व एंडिंग होती हैं जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इस जगह पे ही फर्स्ट 1/3 फ्रॉम द आउटर साइड, बाहर से तीसरा हिस्सा ही सेंसिटिव होता है, वहीं पे इसको एक्साइटमेंट फील होती है, वहां पे ही उसके एक्साइट करने वाले नर्व एंडिंग होते हैं। पीछे का 2/3 हिस्सा वजाइना का बिल्कुल नम जैसा होता है, तो उसी तरह वहां पे भी उसको उसमें पीनस आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, इधर जा रहा है, तो उसको कुछ भी पता नहीं चलता। यानी कि 1/3 पार्ट, फर्स्ट 1/3 पार्ट ही वो फील करती है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है, एंजॉयमेंट हो रही है, ये सारी बातें 1/3 पार्ट में ही वो एक फीमेल महसूस करती है। इसलिए अगर हम मान के चले टोटल लेंथ 6 इंच की है, तो उसका फर्स्ट 2 इंच ही ज्यादा सेंसिटिव होगा, यहाँ पे ही 50,000 के करीब नर्व एंडिंग होगी और वहां पे ही सेंसिटिव होगा। तो इसलिए अगर आपका पीनस 2 इंच का भी है, तो वो उसके सेंसिटिव एरिया को तो क्रॉस करेगा, क्योंकि पहला 2 इंच का ही एरिया उसका सेंसिटिव है, और उसको क्रॉस करने के लिए, उसके ऊपर घसरण पैदा करने के लिए, रगड़ पैदा करने के लिए आपका 2 इंच का पीनस काफी है। इसलिए अगर आपका पीनस 2 इंच या इससे बड़ा है, तो वो पीनस की लंबाई आपकी पार्टनर, आपकी सेक्स पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ या किसी भी लड़की को वो फुली सेटिस्फाई करने के सक्षम है, मगर आपको सेटिस्फाई करवाना आना चाहिए। इसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, इसका कुछ फोर प्ले की मेथड होते हैं, उसकी मैं आगे एक वीडियो आपको डालूंगा, आप उसको देखिए। इसलिए मैं चाहूँगा आप इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो जो बनाई जाएगी वो एक आपको फोर प्ले करने का सबसे बेस्ट तरीका बताया जाएगा, जिसके अनुसार अगर आप फोर प्ले करते हो तो आप 2 इंच के पीनस से भी अपनी पाइप को फुली सेटिस्फाई करते हो। इतना कहता हुआ मैं समाप्त करता हूँ। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।